वाक्पटुता की है। महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय विभाग अध्यक्ष हिंदी की राजकुमारी जी बने, विभाग अध्यक्ष हिंदी राजकुमारी जी बने। तीसरा अक्षर आता है कुमकुम बिंदिया है चंदन बंदन, जैसा कि सौमता और सहजता कवित्री कवित्री है, करती सफल मन संचालन, साहित्यकार है, सजाई है तुमने, सजाई है तुमने ये बगिया हमारी, हम सब जाए तुम पर वारी है, हम सब जाए तुम पर वारी है। और पांचवा अक्षर आता है री, राजकुमारी का री। रीत हो तुम पुलकित प्रीत हो तुम, रीत हो तुम पुलकित प्रीत हो तुम, जीवन एक ऐसी शिक्षिका के लिए उसके विषय में बताया। भावुक पल तो होता है, लेकिन ये तो एक नियम भी है ना, अगर हम जगह नहीं खाली करेंगे तो नए को जगह कैसे मिलेगी। इसलिए ये इस तरह से कहा जाए कि विदाई नहीं, विदा पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। विदा भी है और पर्व तो त्योहार होता है, तो हम लोग विदा भी हो रहे हैं लेकिन उत्सव के साथ विदा हो रहे हैं। जाते जाते महंत महिला कॉलेज क्या स्नेह दीजिएगा शिक्षक को? महंत महिला कॉलेज के शिक्षक तो खुद ही इतने ऊर्जावान है अभी, ऊर्जा से भरपूर कि हम क्या उनको देंगे, लेकिन इतना आगे जरूर कह सकते हैं कि इस कॉलेज का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। अब लीजिए एक उदाहरण बन के रहेगा ये महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय, लोगों के नज़र में एक उदाहरण रहेगा। यहाँ के शिक्षक इतने ऊर्जावान हैं, यहाँ की प्राचार्य इतनी कर्मठ, तो उस जहाँ पर लीडर टीम ही ऐसी हो, लीडर ही ऐसा हो, तो टीम की तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। महादेवानंद महिला महाविद्यालय की हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमारी जी इसी वर्ष फरवरी में अवकाश ने किया, आज उनका शिक्षक संघ की ओर से विदाई सम्मान समारोह आयोजित है। इसमें महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रधानाचार्य जो कमल कुमारी जी हैं, सभी शिक्षिका प्रतिभा जी हैं और भी उनके महाविद्यालय के पूर्व टीचर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी बेटी जो अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है वो भी इस अवसर पर यहाँ उपस्थित है। तो ये एक बड़ा ही भावुक पल है महाविद्यालय के लिए, ये क्षति है क्योंकि किसी भी शिक्षक का जाना महाविद्यालय के लिए बहुत ही उसको कमज़ोर बना देता है, क्योंकि हिंदी विभाग हम लोगों का खाली हो गया, कोई भी शिक्षक नहीं है। तो ये हम लोग महाविद्यालय के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मैडम कमियां खलती होंगी, मतलब इतना दिन से। हाँ, ये तो ये है कि किसी के साथ भी रहिए तो एक भाव का बंधन बनता है, और अगर दूसरा व्यक्ति भी बहुत भावुक हो तो बंधन और मजबूत हो जाता है, और जब वो बंधन थोड़ा भी जब हिलता डुलता है तो उसकी तकलीफ होती है। इसलिए हम लोग पूरे महाविद्यालय परिवार जो है आज बहुत ही उदास है, क्योंकि एक बहुत ही कर्मठ और हिंदी की बहुत सशक्त जो धन्यवाद कि आज आप भोजपुर की धरती पर आए हैं अमेरिका से, और आपकी माता जी का विदाई से सम्मान समारोह, इसके विषय में क्या महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं अमेरिका गई, इतने साल रही, इतनी सक्सेसफुल हुई, पर जो बात डॉक्टर राजकुमारी सिंह की बेटी बन के रहने में है वो कहीं नहीं है। ऐसा क्या कुछ सीखा आपने अपनी माँ से, क्या कुछ सीखा और उसको यूटिलाइज किया अमेरिका जाके? मेहनत करना, पढ़ना डेलीजेंटली, दूसरों को रिस्पेक्ट करना और दूसरों को हेल्प करना। ठीक है, थैंक यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने रूट्स को, जैसे मेरा रूट, मैं कहीं भी जाऊँ मेरा रूट अंत में आ रहा है, तो अपने रूट को रिस्पेक्ट करना, मतलब आ रहा को। जी बिल्कुल, ठीक।